दिल्ली कैपिटल्स पर लखनऊ की नवाबी जीत, इन तस्वीरों में देखें मैच का पूरा रोमांच। इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के तीसरे मुकाबले में लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने दिल्ली कैपिटल्स को रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही केएल राहुल की कप्तानी में लखनऊ टीम दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने टॉस जीतकर चुनी थी। गेंदबाजी इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के तीसरा मुकाबला लखनऊ सुपर जॉइंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया। इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान डेविड वार्नर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। मुकाबले में लखनऊ के लिए केएल राहुल और कायल मेयर्स ने पारी की शुरुआत की थी। लखनऊ के कप्तान केएल राहुल नहीं कर पाए कमाल लखनऊ के लिए। हालांकि केएल राहुल आईपीएल 2023 के पहले मैच में कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके। केएल राहुल लखनऊ के लिए 12 गेंद का सामना किया जिसमें वह सिर्फ 8 रन बना सके। इस दौरान उन्होंने एक छक्का भी लगाया। कायल मेयर्स ने दिल्ली कैपिटल्स के उड़ाए होल। केएल राहुल के आउट होने के बाद कायल मेयर्स ने 38 गेंद में 192 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए शानदार 73 रनों की पारी खेली। अपनी इस पारी में मेयर्स ने 7 छक्के और 2 चौके भी लगाए। खलील और सकारिया ने दिखाया दिल्ली के लिए कमाल। वही गेंदबाजी में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खलील अहमद और चेतन सकारिया ने कमाल दिखाया। इन दोनों गेंदबाजों ने दिल्ली के लिए 2-2 विकेट झटके। इसके अलावा कप्तान अक्षर पटेल और कुलदीप यादव के खाते में 2 विकेट। लखनऊ ने दिल्ली के सामने रखा 194 रनों का लक्ष्य। लखनऊ की टीम कायल मेयर्स की दमदार अर्धशतकीय पारी की मदद से निर्धारित 20 ओवर के खेल में 6 विकेट के नुकसान पर 193 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, जो दिल्ली कैपिटल्स के लिए मुश्किल साबित हुई। पृथ्वी और वार्नर की पारी शुरुआत लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स के लिए पृथ्वी शॉ और कप्तान डेविड वार्नर पारी की शुरुआत करने उतरे डेविड वार्नर ने हालांकि टीम के लिए अर्धशतकीय पारी खेलनी अर्धशतकीय पारी खेली, लेकिन पृथ्वी शॉ सीजन 16 के पहले मैच में सिर्फ 12 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान वार्नर ने खेली अर्धशतकीय पारी। दिल्ली कैपिटल्स के लिए सबसे अधिक डेविड वार्नर ने 56 रनों की पारी खेली। अपने इस पारी में उन्होंने 48 गेंदों का सामना किया। वार्नर ने 116 के स्ट्राइक से रन बनाते हुए 7 चौके भी लगाए। रायली रूसो ने भी मचाया धमा। वार्नर के अलावा दिल्ली कैपिटल्स के लिए रायली रूसो ने 30 रनों की दमदार पारी खेली। रूसो ने 20 गेंदों का सामना किया जिसमें उन्होंने 3 चौके और एक शानदार छक्का भी लगाया। उन्हें रवि बिश्नोई ने आउट किया। मार्क वुड ने खोला पंजाब। वही गेंदबाजी में लखनऊ के लिए सबसे अधिक मार्क के खाते में 5 विकेट आए। मार्क वुड के अलावा लखनऊ के लिए आवेश खान और रवि बिश्नोई ने भी शानदार 2-2 विकेट अपने नाम किए, जिसके बदौलत लखनऊ की टीम ने रनों से मैच को अपने नाम कर लिया।